करूं रे यकीन बहरे पंचो यते बेसरमी छागी सारे के बिगड़िया सब का दीन हो किस पे करूं रे यकीन बेसरमी छागी सारे के ओ बिगड़ा सब का दीन हो किस पे करूं रे यकीन। क्या बात है भाई लेख रहा झूठा तेरे बाट तरा जू झूठी खोली तरह दुकान झूठा सौदा बेचण लग गया नहीं असल का नाम निशान झूठा बोले कमती तोले आए गया के काटे कान झूठा बोले कमती तोले आए गया के काटे कान झूठा बोले कमती तोले आए गया के काटे कान झूठा लेखा जोखा देखा झूठी देखी तेरी बही झूठे तू भगवान बनावे झूठी बेचे तू दही झूठी लेवा झूठी देवा और बता के कसर रही झूठी लेवा झूठी देवा और बता के कसर रही झूठी लेवा झूठी देवा और बता के कसर रही। अरे खान पान पहरान बदल गया खान पान पहरान बदल गया बुद्धि हुई मलिन हो किस पे करूं रे यकीन बेसरमी छागी सारे के बिगड़ा सब का दीन हो किस पे करूं रे यकीन। क्या बात है भाई मरद ने मरद पीर पे को ऐसे ने ना इतबार वीर मरद ने मरद पीर पे को ऐसे ने ना इतबार वीर मरद ने मरद पीर पे को ऐसे ने ना इतबार। माया के नशे में चूर फिरते हैं अभिमानी बात लेन देन ने कुछ ना दो रहे ऐसे देखे दानी बात भुगले आला दारा कैसे ऐसे देखे ज्ञानी बहुत भुगले आला दारा कैसे ऐसे देखे ज्ञानी बहुत भुगले आला दारा कैसे ऐसे देखे बहुत। अरे बड़े बड़ों को मोह जासे बड़े बड़ों ने मोहले से जर जोरू और जमीन हो किस पे करूं रे यकीन बेशर्मी छागी सारे के बिगड़ा सब का दीन हो क्या बात है भाई। भाई अपनी अपनी सबकी भावना है कोई बात कोई भाई बुरा ना माने एक बात मैं बता रहा हूं। कुछ समय पहले आपने देखा था कि आसाराम बापू हाँ उनको थोड़ा सा जो है अल्टीमेटम दे दिया है और हमारे बाबूजी रणवीर पहलवान जी गांव खरकड़ी से 100 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला बढ़ा रहे हैं बार बार धन्यवाद करते हैं और राम रहीम भी उसी कैटेगरी में पहुंच गए हैं ये तो सब जानते हैं सब ने न्यूज पे उसमें देखा भी है सबको मालूम भी है। तो देखने में जो इंसान जैसा है देखने से तो धर्मधारी है लेकिन अपना आदरणीय पहला सरपंच जी जिनका बहुत आशीर्वाद और प्यार सम्मान हमें मिलता रहता है 500 रुपए देकर के हौसला बढ़ा रहे हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं और बाबूजी तेजू ठेकेदार जी जी वो भी 500 रुपए इस रागनी पर दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद
और भाई सत्यनारायण प्रधान जी, आदरणीय सत्यनारायण पंडित जी जो गौशाला प्रधान भी हैं और 500 रुपए देकर के हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। दादाजी कहा है लत्ता रंगने से कुछ नहीं है, आदमी की अंतरात्मा जब तक साफ नहीं है जब तक बेकार है। साधु संन्यासी को देख करके साथियों इंसान ये सोचता है कि यह परमात्मा का रूप है, भगवान का रूप है। यह सच्चाई भी है कि पांच उंगली तो एक सार नहीं है हाथ के अंदर भी, लेकिन कुछ ने अपनी राह जरूर बदल ली है। कैसा कहा है नंबर 3 के अंदर, क्या बताया भला? देखने में धर्मधारी काम है चंडाल का, देखने में धर्मधारी काम है चंडाल का, सिंह रूपी वस्त्र धारे काम किया चाल का, पाखंड का सहारा लिया हुक्म कलू काल का, पाखंड का सहारा लिया हुक्म कलू काल का, पाखंड का सहारा लिया हुक्म कलू काल का। बल्टा है जमाना लोगो धर्म कर्म का, आज्ञा अंत बीच ते बदल गए किसे में ना रहा दंत, वेद पाठी वेद पाठी वेद पाठी पंडित को न टोहे से न पावे संत, वेद पाठी पंडित को न टोहे से न पावे संत, वेद पाठी पंडित को न टोहे से न पावे संत। कायर छत्री वो छत्री जिनके तलवार के रुख को जिधर कर दिया जा सकता साथियों, उधर से हवा भी अपना रुख मोड़ लेती थी। वो छत्री कायर छत्री निर्धन बनिया, कायर छत्री निर्धन बनिया, ब्राह्मण विद्याहीन हो किस पे करूं रे यकीन, बेशर्मी छागी सारे पे ओ बिगड़ा सब का दीन हो, किस पे करूं रे यकीन। क्या बात है भाई, भाई दादाजी मोहर सिंह जी बास लांबी से जिन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप दिया है, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। केपी ठेकेदार बास कुशला से 500 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं इस रागनी पर, धन्यवाद करते हैं। आदरणीय बाबूजी किशन जी कासन से वो भी 500 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। सभी दानी सज्जनों का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, गौ माता की कृपा सभी पर बरसती रहे। अंतिम और चौथी कली में बताया है आदरणीय श्री प्रदीप जी ढाणा से, भाई राहुल बालियान जी लिखते रहे तो एक मिनट की बात है उसके बाद मैं बोल देना। पवन चौधरी ढाणा वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला बढ़ा रहे हैं। चौथी और अंतिम कली सुना रहा हूं दादाजी, 3 कलियों पे ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं है, लेकिन चौथी पर थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा आपका, अपना ध्यान थोड़ा सा इस चौथी कली की तरफ रखना, क्योंकि इस चौथी कली के अंदर बताया है कवि ने कि मैं अपने पूरे जीवन का जो मेरा अनुभव है उसको इस चौथी कली में लिख रहा हूं, और जो सतपुरुष हैं उनको क्या कठिनाई हुई है इसको भी नंबर 4 में बताया है। कैसे कहा भला, क्या बताया? करे थे वही रखना आ गया रे, गुरु राम भगत की कृपा से मने कुछ कुछ गाना आ गया रे, गुरु राम भगत की कृपा से मने कुछ कुछ गाना आ गया रे, गुरु राम भगत की कृपा से मने कुछ कुछ गाना आ गया रे। बालकपन
और मैं मौज उड़ाई खेले खाए बहुत घने। ये कवि कह रहा है अपने जीवन का थोड़ा सा सार बता रहा है कैसे। बालकपन में मौज उड़ाई खेले खाए बहुत घने, गाया और बजाया देखे मेले ठेले बहुत घने। झूठे यार भतेरे देखे झूठे चेला बहुत घने, झूठे यार भतेरे देखे झूठे चेला बहुत घने, झूठे यार भतेरे देखे झूठे चेले बहुत घने। जगन्नाथ के हैं जगन्नाथ सही चित के चेले, जगन्नाथ सही चित के चेले। हो से तो यतीन हो किसे पे करूं रे यकीन, बेसरनी छागी सारे के ओ बिगड़